ये सड़क के किनारे लोग यहाँ पे अपनी अफ्तारियां बना रहे हैं, क्या इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है। यकीन करें ऐसा लगता है रात को इन्होंने दिन में बदल दिया है, असल इंजॉयमेंट तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं, कमाल है यार। वैसे ये जो व्यू है ना, या ये जो लोग हैं, बहुत यार इन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आया था मुनाल तो एक सब्सक्राइबर ने पहचान लिया और ये जो है ना मेरे डाई हार्ट फैन थे। बताएं जरा कुछ अपने बारे में। मेरा नाम शाहजेब है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता हूं। तो साहब आया था मुनाल पे तो अचानक मेरी नज़र इन पे पड़ी और एकदम मैंने इसको हाथ आगे कर दिया और इसने बस बहुत खुशी से कैसा लगा मिलके। बहुत बहुत ज्यादा खुशी माशाल्लाह यार। ये जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, ये समझे कि आपकी फैमिली जैसे होते हैं, तो ये आपको कभी भी पहचान सकते हैं। जब भी आप मतलब अल्लाह आपको स्टेज पे पहुंचाएगा, आपके सब्सक्राइबर जब आपको पहचानेंगे तो आपको जो है ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो भाई ने जो पहचाना और जो मोहब्बत का इजहार फरमाया, मैं यकीन करें कि दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें। कब से देख रहे हैं मेरा चैनल? तकरीबन साल से ज्यादा हो गया। अच्छा माशाल्लाह। तो डाई आर्ट फैन है या अहमद फैन? नहीं नहीं, डाई आर्ट फैन। अस्सलाम वालेकुम, संगे चल रहे सर? अब जी जी कुर्बान। अच्छा जी, मुनाल पे ना अफ्तारी का वक्त होने जा रहा है, तो मैं और मेरे सब्सक्राइबर के साथ जो है ना अभी आप लोग अफ्तारी करेंगे। ये देखें, वैसे यार बहुत अच्छी जगह है ना, जबरदस्त कमाल। ये जी मुनाल में नमाज का वक्त हुआ चाहता है, अभी नमाज अदा करेंगे फिर इसके बाद डिनर होगा। ये मुनाल में ना डिनर की तैयारियां हो रही हैं, तो अभी हम भी थोड़ा ना अफ्तारी के बाद थोड़ा बैठे हैं, इसके बाद कुछ डिनर के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपको साथ साथ लिए चलते हैं कि डिनर भी आपको दिखाते हैं। यार ये व्लॉग का मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। मुझे ना ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखें ऐसा कमाल का है ना। तो जी अफ्तार भी कर लिया, डिनर भी कर लिया मुनाल होटल के ऊपर, और ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव जो अफ्तार थी वो हमने की। हंसते रहें, मुस्कराते रहें, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।